दरबार शमय बजले हिदायत मुस्तफ़ा जान रहमत नौ बहारे शफात कासिमे कंज निमत खत्मे दौरे रिसालत की बारगाहे आलिया में जहाँ सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन भी बिला इजाजत ना जाएं उस बारगाहे कौनेन में जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम हाजिरी दिया करें। हम सब अकीदत मोहब्बत में एक बार दुरूद सलाम का नजराने अकीदत पेश करें। पढ़िए बाबा जिब्रील हजरात, पहले तो मालूम होना चाहिए कि मिलाद शरीफ की हकीकत क्या है और उसका हुक्म क्या है, फिर ये जानना ज़रूरी है कि उसके दलाइल क्या है। मिलाद शरीफ की हकीकत है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक का वाकया बयान करना। हमल शरीफ के वाकयात नूरे मोहम्मदी के करामात नसब नामा या शीर ख्वारगी और हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ परवरिश हासिल करने के वाकयात बयान करना और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पाक नज़्म या नसर में पढ़ना सब इसके ताबे हैं। अब वाकया विलादत ख्वाह तन्हाई में पढ़ो या मजलिस जमा करके और नज़्म में पढ़ो या नसर में खड़े होकर या बैठकर जिस तरह भी हो उसको मिलाद शरीफ कहा जाए। महफिल मिलाद शरीफ मुनक्कद करना और विलादत पाक की खुशी मनाना, उसके जिक्र के मौका पर खुशबू लगाना, गुलाब छिड़कना, शिरनी तकसीम करना, गरजे की खुशी का इजहार जिस जायज तरीका से हो वो मुस्तहब है और बहुत ही बाइस बरकत है और रहमत इलाही के नुजूल का सबब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी रब्बना अंजिल अलैना माईदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लियवलीना व आखरीना। मालूम हुआ कि माईदा आने के दिन को हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने ईद का दिन बनाया। आज भी इतवार को ईसाई इसीलिए ईद मनाते हैं कि उस दिन दस्तरखान उतरा था और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी उस माईदा से कहीं बढ़कर नेमत है, लिहाजा उनकी विलादत के दिन भी यौमुल ईद है। जी जी जी, अच्छी बात है भाई, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। हाँ, इस मजलिस पाक में हराम काम करना सख्त जुर्म और गुनाह है। जी जी जी, बिल्कुल भाई। जैसे औरतों का इस कदर बुलंद आवाज से नात शरीफ पढ़ना कि अजनबी मर्द सुने सख्त मना है, औरत की आवाज अजनबी मर्द को सुनना जायज नहीं। अगर कोई मर्द नमाज की हालत में किसी को सामने निकलने से रोके तो आवाज से सुभानअल्लाह कह दे, लेकिन अगर औरत किसी को रोके तो आवाज से सुभानअल्लाह ना कहे बल्कि बाएं हाथ की पुष्ट पर दाहिना हाथ मारे, जिससे मालूम हुआ कि औरत नमाज में जरूरत के वक्त भी अपनी आवाज किसी को न सुने। जी जी जी, बहुत अच्छी बात। इसी तरह मिलाद शरीफ में बाजे के साथ नातखानी करना बहुत ही गुनाह है कि ये बाजा खेल कूद और लुगवियात में से है। वैसे भी बाजा से खेलना हराम है और खास कर नात खानी जो कि इबादत है उसको बाजे पर इस्तेमाल करना और भी जुर्म है। अगर किसी जगह मिलाद शरीफ में ये खराबियां पैदा कर दी गई हो तो उन खराबियों को दूर कर दिया जाए, लेकिन असल में मिलाद शरीफ को ना बंद किया जाए। जी जी,
बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। मिलाद शरीफ, कुरान और हदीस, वाकवाले उलमा और मलाइका और पैगंबरों के फेल से साबित है। कुरान करीम में इरशाद हुआ, रब ताला फरमाता है, वज़कुरू नियमतल्लाही अलैकुम, हुजूर की तशरीफ आवरी अल्लाह की बड़ी नियमत है। मिलाद पाक में इसी का जिक्र है, लिहाजा महफिल मिलाद करना इस आयत पर अमल है। अगर आज किसी के फर्जंद पैदा हो तो तारीख़ पैदाइश पर साल गिरह का जश्न करता है। किसी को सल्तनत मिले तो हर साल उस तारीख पर जश्न जुलूस मनाता है। तो जिस तारीख में दुनिया में सबसे बड़ी नीमत आई उस पर खुशी मनाना क्यों मना होगा। खुद कुरान करीम हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद जगह जगह इरशाद फरमाता है, लकद जाकुम रसूलुल आया, अय मुसलमानों तुम्हारे पास अजमत वाले रसूल तशरीफ लाए। फिर फरमाया मिन अनफुसिकुम, इसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसब नामा बयान हुआ कि वो तुम में से या तुम्हारी बेहतरीन जमात में से है। हरीसुन अलैकुम से आखिर तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात बयान हुई। आज मिलाद शरीफ में यही तीन बातें बयान की जाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, जी जी बहुत अच्छे भाई, वाह। लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअथ फीहिम रसूला, अल्लाह ने मुसलमानों पर बड़ा ही एहसान किया कि इनमें अपने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज दिया। हुवा अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक, रब्बुल आलमीन वो कुदरत वाला है जिसने अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम को हिदायत और सत्य दीन के साथ भेजा। गर्ज़े की बहुत सी आयात हैं जिनमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पाक का जिक्र फरमाया गया। मालूम हुआ कि मीलाद का जिक्र करना सुन्नत इलाहिया है। अब अगर जमात की नमाज में इमाम यही आयत विलादत पढ़े तो ऐने नमाज में मेरे आका का मीलाद होता है। देखो इमाम साहब के पीछे मजमा भी है और कयाम भी हो रहा है, फिर विलादत पाक का जिक्र भी है, बल्कि खुद कलमे तैयबा में मीलाद शरीफ है क्योंकि इसमें है मोहम्मद रसूलल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, रसूल के माना हुए भेजे हुए। इसमें तो हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी का जिक्र हो गया, असल में मीलाद पाया गया। जी जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।